नमस्कार। वाजपेयी जी की सियासी पारी खत्म होने के बाद से बीजेपी मुगलिया सल्तनत के आखिरी दिनों की याद दिला रही है। शहंशाह का ताज खाली है और तमाम सेनापति अपने अपने दावे ठोक रहे हैं। चाल, चरित्र और चेहरा की बात करने वाली पार्टी अब खुद अपने चाल, चेहरे और चरित्र को लेकर सवालों के कटघरे में है। ऐसे में 2014 में खिलेगा या मुरझाएगा कमल, इस पर बात करने के लिए एजेंडा आज तक में अब मैं आमंत्रित करता हूं बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री नितिन गडकरी। स्वागत है आपका। क्यों मानते हैं गडकरी जी कि अगले चुनावों में खिलेगा कमल? देखिए, भारतीय जनता पार्टी प्रिंसिपल अपोजिशन पार्टी है और हिंदुस्तान के आज के राजनीति में किसी भी राज्य में पोलराइजेशन जो होता है वो दो पार्टियों के बीच में, दो अलायंसेस के बीच में होता है। इस बार जो वर्तमान यूपी और कांग्रेस की स्थिति है, मैं अगर आपको ये पूछूं कि उनके लिए कौन सा स्टेट अच्छा है तो शायद एक भी स्टेट का नाम नहीं बता सकते। आज भी 36% आबादी देश की एनडीए रूल स्टेट में है और देश की आर्थिक स्थिति जिस प्रकार से, भ्रष्टाचार जिस प्रकार से, लोगों में असंतोष जिस प्रकार का है, महंगाई, इन्फ्लेशन का रेट जितना बढ़ा हुआ है, इसमें मैं पूरी विश्वास के साथ आपको बता सकता हूँ कि हम इस बार निश्चित रूप से दिल्ली में सरकार में आएंगे, एनडीए की सरकार बनेगी और बीजेपी का प्रधानमंत्री निश्चित रूप से बनेगा, इसके बारे में मेरे मन में कोई संशय नहीं है। पर ऐसा क्यों हो रहा है कि हाल के हफ्तों में हम देख रहे हैं कि कांग्रेस एक बार फिर से उठती नजर आ रही है और ऑपोजिशन पार्टी होने के बावजूद, इतनी सारी एंटी इनकम्बेंसी होने के बावजूद बीजेपी लगातार डिफेंसिव पर नजर आ रही है? मुझे नहीं लगता। मैं पहली बार आपके मुंह से सुन रहा हूँ कि कांग्रेस उठ रही है। जो बात कांग्रेस के नेताओं के मन में नहीं आती वो आपके मन में कैसे आई? क्योंकि कांग्रेस पार्टी के नेता ये मान चुके हैं कि अब उनके लिए बहुत कठिन समय है और जो जनता, अभी 20 तारीख को हिमाचल और गुजरात के निर्णय आ जाएंगे तब आपको ये भी बात समझ में आएगी कि दिशा किस तरह जा रही है। और मुझे नहीं लगता, मैं आपको संदर्भ समझाता हूँ। जब वाजपेयी जी नेता विपक्ष थे तब वो एक पुकार देते थे और सारा विपक्ष लामबंद हो जाता था। आज की तारीख में संसद में हमने देखा कि बीजेपी के नेता कुछ कहते हैं वो अपने घटक दलों को ही अपने पास नहीं रख सकते। अगर आपको सरकार बनानी है तो आप तमाम और पार्टियों को अपने साथ जोड़ना होगा। अभी तो लग रहा है कि एनडीए का खुद का वजूद खतरे में है, पार्टियां एक एक करके बीजेपी से किनारा काट रही। देखिए, कल एफडीआई रिटेल पर 14 पार्टियां साथ में आई और उन्होंने पार्लियामेंट में सरकार के खिलाफ मतदान किया है। और दूसरी बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि बहुत सी जो रीजनल पार्टीज हैं वो पार्टी किसी भी स्थिति में कांग्रेस और यूपीए की सरकार दिल्ली में नहीं चाहती, और अटल जी के समय भी यही स्थिति थी कि एकदम लोग एनडीए के साथ नहीं आए। इसका एक मैजिक नंबर है, जिस दिन बीजेपी 175 के सीटें ऊपर लेगी और जीत जाएगी उस दिन हम लोग जो आज हमारे साथ नहीं है वो बहुत जल्दी हमारे मित्र बन जाएंगे और हम दिल्ली में सत्ता बना लेंगे, उसमें कोई अड़चन। लेकिन लग रहा है कि बीजेपी से पहले रिश्ता रखकर अब मायावती को, मुलायम को, डीएमके को, ममता को लग गया है कि बड़ा खतरनाक है, क्योंकि सांप्रदायिक माना जाता है आपकी पार्टी को। माना जाता है कि देश विभाजित होता है, जुड़ता नहीं, इंक्लूसिव नहीं है पार्टी। देखिए, अगर उसी समय बीजेपी जब थी और हम सांप्रदायिक थे तो मायावती जी ने हमारी मदद कर लेकर मुख्यमंत्री क्यों बनी? अगर हम सांप्रदायिक थे यही मुलायम सिंह जी हमारी मदद लेकर मुख्यमंत्री कब बने? ये तो पॉलिटिक्स ऑफ कन्वीनियंस है। जब मदद चाहिए, जब स्वार्थ है तब मदद लेना, और जब स्वार्थ समाप्त होता है तो एलिगेशन लगाकर छोड़ देना, ये यूज एंड थ्रो वाली थ्योरी है। पर मैं आपको एक बात बताता हूँ कि ये सब जो हो रहा है इसके पीछे यूपीए का सबसे ट्रस्टेड अलायंस पार्टनर अगर कोई है तो सीबीआई है, और सीबीआई के द्वारा जो केसेस रजिस्टर की है वो फाइलें दिखा दिखा कर, चाहे राष्ट्रपति का चुनाव रहे, चाहे अपने सरकार पर विश्वास दर्शक प्रस्ताव रहे, वो सीबीआई का डायरेक्टर की महत्वपूर्ण भूमिका है और वही उनकी फाइलें जो है वही तय करते हैं कि कौन से पार्टी किसके साथ जाएगी। आपने ये कहा कि 2014 में बीजेपी का ही बनेगा प्रधानमंत्री, तो अब अगला सवाल तो लाजमी तौर पर यही बनता है कि किसको देंगे आप ये ताज? ये सवाल कितने बार पूछोगे हम? जब तक आप कोई सही सा जवाब ना दें, आप हमेशा घुमा देते हैं, फ्रंट फुट पे आके बैटिंग कीजिए ना। पहली बात ऐसी है कि बीजेपी ये लोकतांत्रिक पार्टी है, ये कोई पिता पुत्र की, माँ बेटों की, प्रोप्राइटरी कंसर्न
किराने की दुकान नहीं है कि एक मालिक है और बाकी लोग सुनते, ऐसा नहीं है। हिंदुस्तान के राजनीति में लोकतांत्रिक पार्टी के रूप में जो चार पांच पार्टी जीती है उसमें बीजेपी है, मैं पार्टी का मालिक नहीं हूं, और इसलिए पार्टी के निर्णय लोकतांत्रिक माध्यम से होते हैं। एप्रोप्रिएट टाइम पर पार्टी इस बात का निर्णय करेगी कि कौन प्रधानमंत्री का उम्मीदवार होगा। हमारे पार्टी में और एक विशेषता यह है कि प्रधानमंत्री बनने लायक अनेक नेता आज पार्टी में मौजूद हैं और एक दूसरे को काटने में लगे रहते हैं। दूसरी बात ये भी है कि प्रधानमंत्री के पेट से प्रधानमंत्री ये हमारे यहाँ नहीं है, और इसका कारण इसलिए यही है कि जो लोकतांत्रिक मार्ग से पार्टी चुनेगी वो उचित समय पर नहीं। नहीं, आप कहते हैं कि बीजेपी लोकतांत्रिक पार्टी है, लेकिन हकीकत यह है कि संसदीय बोर्ड नहीं तय करती कि अगला पीएम कौन होगा, अगला अध्यक्ष कौन होता, वो तो नागपुर में बैठे कुछ लोग तय करते। देखिए, ये इमेज वर्सेस रियलिटी है। ये दुर्भाग्यवश विषय यह है कि मैं दिल्ली के आप सब लोगों को एक बात के लिए जरूर नम्रतापूर्वक प्रार्थना करूंगा कि आपके पास एक रिसर्च और उसके साथ साथ एक निश्चित तौर पर आखिरी स्तर तक जाकर एक संशोधन करने वाली एक टीम चाहिए। मैं इस बात से डरता नहीं कि कौन क्या कहता और क्या बोलता है, मैं इस बात से चिंतित हूँ कि ये जो मीडिया परसेप्शन के आधार पर आप दिल्ली में बैठकर सब अनुमान निकाल लेते हैं, ये अनेक बार अन्याय करने वाले हो गए हैं। मैं जो लोग मुझसे 20 साल से जानते हैं वो ये जानते हैं कि मैं कभी किसी के कहने पर कोई निर्णय नहीं करता। मैं अपने खुद मैं गलतियां कर सकता हूँ तो बोनाफाइड मिस्टेक होगी, मैलाफाइड मिस्टेक नहीं कर सकता, और इसलिए हमें ना कोई चलाता है, कोई हमको आदेश देता है, ना कोई ऐसी बात है। रही बात आपके मन में, तो हम में से अनेक लोग संघ के स्वयंसेवक है और संघ इज ए पार्ट ऑफ अवर लाइफ कन्विक्शंस, और मैं आपको अनेक बार बताता हूँ कि हम आपस में बैठते हैं तो एक दूसरे की व्यू को कॉन्ट्राडिक्ट करते हैं, विरोध भी करते हैं, पर हमारे में इतना अच्छा अनुशासन है कि जब हमको कोई बात कही जाती है तो हम सब लोग उसको स्वीकारते हैं। गडकरी जी, आप भी जानते हैं, जहां बीजेपी की बात है, मैं आपको फिर से बता रहा हूं, बीजेपी की बात है, अनेक निर्णय मैं अनेक बार अनेक नेताओं के व्यूज के विरोध में भी निर्णय मैंने किए हैं, और मुझे आज तक मेरे निर्णय पर कभी किसी ने दबाव नहीं डाला, कभी किसी ने कुछ कहा नहीं। जहां आग लगी होती है वहीं धुआं निकलता है, और ये बात तो बीजेपी के नेता खुद कहते हैं गडकरी जी, मैं नहीं कह रहा, मैं आपको बताता हूँ, किसी से पूछिए कि हाँ बताइए। मुझे तो लगता है आपने भी जरा नजरिया बदलना चाहिए, आग भी नहीं लगती, धुआं भी नहीं निकलता, तो भी आपको आग ही लगती और धुआं ही दिखता है, इसके लिए आपको क्या कहे, ये प्रॉब्लम। नहीं नहीं, बीजेपी के किसी भी नेता से बात कर लीजिए गडकरी जी, वो कहते हैं कि ऐसा होगा नहीं होगा। अरे नहीं नहीं, वो तो नागपुर तय करेगा, नागपुर तय करेगा, भागवत जी बताएंगे तभी होगा, ये तो बीजेपी के नेता खुद कहते हैं ना। अरे कैसे आपने रियलिटी वर्सेस परसेप्शन, अब आप छोड़िए, आप बात कीजिए, वो क्यों नहीं बताते, बताते लेट इट बी ओपन टू द पीपल। नहीं, पर बीजेपी के तमाम नेता कहते हैं, मैं आपको उल्टा बोलता हूं कि कोई एक नेता नहीं होगा जो ये बात नहीं कहता। देखिए, बीजेपी की एक समस्या है, समस्या ये है कि बीजेपी ये लोकतांत्रिक पार्टी है, इस पार्टी का कोई एक व्यक्ति मालिक नहीं है, और जब स्टेक होल्डर्स की संख्या बढ़ जाती है तो स्वाभाविक रूप से मतभिन्नता होना, फ्री ओपिनियन देना, अलग अलग प्रकार की, देखो मतभिन्नता होना कोई प्रॉब्लम नहीं, मनभेद नहीं होने चाहिए। तो ये बात जरूर है कि जिस प्रकार से सोनिया जी कहेंगी वही निर्णय, सोनिया जी कहेंगी वही विचार, सोनिया जी जो कहेंगी वही, जो कांग्रेस में होता है, हमारे यहाँ मैं कहूंगा वैसा नहीं होगा। नहीं, जैसे जब फर्ज कीजिए सवाल उठा कि क्या गडकरी जी को दूसरा टर्म मिलेगा अध्यक्ष के तौर पर या नहीं, तो सब बीजेपी नेताओं ने कहा कि ये तो आरएसएस बताएगा, तो आपके लिए वो इक्विवेलेंट है, जो कांग्रेस में 10 जनपद काम करता है वो बीजेपी में नागपुर काम करता है। मैं आपको एक सवाल पूछता हूँ, बताइए, आप खुले दिल से दे दो, मैं आपको अनुमति देता हूँ, कौन से नेता ने आपको कहा कि सेकंड टर्म का निर्णय नागपुर करेगा, जरा दिखा। मैं बोल रहा हूँ बीजेपी के तमाम नेताओं ने कहा, कोई एक होता, आप नाम नहीं, एक मेरे नाम लेने से क्या होगा, ये तो आपकी बड़ी पुरानी थ्योरी है कि बीजेपी के लोग कहते हैं पूरा नाम ले। नहीं नहीं, देखिए हमारा एक असूल है, पत्रकारिता भी असूलों से होती है, कि जो किसी ने हमें ऑफ रिकॉर्ड बताया वो ऑफ रिकॉर्ड रहता है, आप जो ऑन रिकॉर्ड कहेंगे वो ऑन रिकॉर्ड रहता है, लेकिन ये सवाल फिर भी खड़ा रहता है कि क्या इस बात में हकीकत नहीं कि गडकरी जी को अध्यक्ष बनाना है नहीं बनाना है, हटाना है रखना है, दूसरा टर्म देना है नहीं देना है, ये फैसला तो नागपुर में होता है। पहली बात ऐसी है कि बीजेपी के सब फैसले बीजेपी लेती है, बीजेपी में इसके बारे में शीर्षस्थ नेताओं में विचार विनिमय होता है, और मेजोरिटी जो मत निकलता है उस प्रकार की पार्टी में निर्णय होते हैं, और इसलिए मैं आपको बहुत जिम्मेदारी के साथ ट्रांसपेरेंसी से, और मेरे बारे में आप विश्वास रखिए,
आप कम जानते मुझे, पर जो लोग मुझे जानते हैं पहले से, मैं तो राजनीति में झूठ नहीं बोला हूं, दबंग हूं। मैं आपको सही बता रहा हूं कि इस चीज में संघ का कोई अंतिम निर्णय होता है, ये जो परसेप्शन है ये 100% गलत है। एक बात जरूर है कि हम लोग जिस विचारों के आधार पर काम कर रहे हैं, हमारे बीच में कोऑर्डिनेशन है, कम्युनिकेशन है और कोऑपरेशन है। तो राष्ट्र के हित में, समाज के हित में जब बहुत से निर्णय होते हैं तब चर्चाएं होती है। जहां तक पार्टी की इंटरनल मैटर्स होती है उसमें अगर हम कोई सलाह मांगते तो सलाह देते, अदरवाइज उनका हमारे साथ कोई संबंध नहीं। और दूसरी एक बात मैं आपको बहुत सिंसियरली बता रहा हूं, कोई गलती करे तो उसको सजा मिले तो कोई अड़चन नहीं है, पर ये लगातार जो परसेप्शन अनेक सालों से बना हुआ है कि ये कंट्रोल ये करते वो करते, ये दुर्भाग्य से ये सही नहीं है और ये गलत है। आपने कहा कि आप राजनीति में कोई गलती नहीं करते, हाल के हफ्तों में कई आरोप आप पर खुद लगे गडकरी जी। ये कहा गया कि गडकरी नेता कम है, इंडस्ट्रियलिस्ट बिजनेसमैन ज्यादा हैं, क्योंकि कई कंपनियां शेल कंपनियां हैं, झुग्गी झोपड़ियों में वो कंपनियां बसी हुई हैं, डायरेक्टर ड्राइवर हैं आपके, नकली एड्रेस आप देते हैं। क्या आपको लगता है कि इतने वरिष्ठ नेता को, प्रिंसिपल ऑपोजिशन के प्रेसिडेंट को, इस तरह से कंपनियां चलानी चाहिए? मैं इस वक्त लीगैलिटी की बात नहीं कर रहा, मैं मोरालिटी की बात कर रहा। सबसे पहली बात यह है, आप ही इंक्वायरी कमीशन के चेयरमैन बन जाओ, मेरा तो छोड़ दो, पर आपका और मीडिया का क्या होगा इसके लिए सोचो कि आपकी विश्वासार्हता क्या होगी। पहली बात, मैं बिजनेसमैन नहीं हूं, मैं सोशल एंटरप्राइज के रूप में कोऑपरेटिव में काम करता हूं। मैंने हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा कॉन्क्रीट का काम किया है, मेरे पास एक्सपर्टाइज टनल, एक्सप्रेस हाईवे, ब्रिजेस, सीलिंग प्रोजेक्ट मैंने बनाया। 3600 करोड़ का जो मुंबई पुणे एक्सप्रेस हाईवे था, जिसका लोएस्ट टेंडर मैंने रिजेक्ट किया और 1600 करोड़ में बनाकर 2000 करोड़ बचाए। 1800 करोड़ के फ्लाईओवर 1000 करोड़ में बनाकर 800 करोड़ बचाए। ये बचाने वाला मैं एक ही पॉलिटिशियन हूं हिंदुस्तान में। अगर मुझे पैसे कमाना रहता तो मुंबई, नोएडा और पुणे में मैं जमीन लेकर बड़े बड़े बिल्डर डेवलपर बनता। मैं सोशल एंटरप्राइज करके मैंने कोऑपरेटिव में काम शुरू किया, और जहां किसान आत्महत्या कर रहे हैं उनकी जान बचाने के लिए मैं काम करता हूं। 68 करोड़ के इक्विटी में मेरा शेयर 1,00,000 रुपए का है, 12,000 लोग शेयर होल्डर्स हैं, अनेक कंपनी शेयर होल्डर हैं। उस कोई कंपनी में मैं डायरेक्टर नहीं, मेरा कोई शेयर होल्डिंग नहीं। मैंने खुद कहा कि इंक्वायरी करो, और मैं आपको आह्वान देता हूं कि हिंदुस्तान की कोई भी 3 व्यक्ति को अपॉइंट करके, मैंने वैसे सरकार रवि कंपनी लॉज और इनकम टैक्स सब इंक्वायरी करी, मुझे एक भी नोटिस नहीं मिला। और मेरे बारे में इतना झूठा बेबुनियाद आरोप होते, इससे मैं दुखी हूं। और ये जो मीडिया में है कि वकील भी आप ही बनोगे, जज भी आप ही बनोगे, आरोप भी आप ही करोगे, ये कहाँ जाएगा? और मैं आज आपके माध्यम से, मुझे अपने अपॉर्चुनिटी दी है, मैं आह्वान करता हूं कि जो इंक्वायरी करना है वो करिए। मैं 1% भी कहीं दोषी होऊंगा, मैंने कोई मनी लॉन्ड्रिंग किया है, करप्शन किया है, मिसयूज किया है पावर का, तो मैं आप जो बोलोगे वो सजा भुगतूंगा। पर विदाउट इंक्वायरी, पहले मुझे लगा मैं शरद पवार का पार्टनर हूं, फिर मुझे संचेती का पार्टनर लगा, फिर मैंने जमीन हड़काई का आरोप, एक सज्जन समाज सेवी है उन्होंने आरोप लगाए, पूरे झूठ निकले, फिर एक लड़की मर गई उसके ऊपर झूठ आरोप लगाए, एक भी आरोप आपके मीडिया का मेरे ऊपर सिद्ध नहीं हो पाया। मैं आपको आह्वान करता हूं कि मेरे ऊपर का एक भी छोटा सा आरोप, कोई छोटा सा आरोप आप सिद्ध कर दे, राहुल जी आप जज बनकर जो सजा देंगे वो भुगतने के लिए तैयार हूं। पर मैं 100% निर्दोष होने के बाद लगातार गलत प्रचार करके झूठे आरोप लगाना, ये गलत है। और मैं इसके लिए, मैंने खुद होकर कहा कि सरकार इसकी इंक्वायरी करे, मैं राह देख रहा हूं, इनकम टैक्स और कंपनी लॉज बोर्ड की इंक्वायरी जल्दी खत्म हो जाएगी, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा, तब मैं आपको पूरी पूरा एविडेंस के साथ बता पाऊंगा। पर एक बात आपके माध्यम से मैं कह रहा हूं फिर से कि मैं बिजनेसमैन नहीं हूं, मैं वाटर कंजर्वेशन, बायोफ्यूएल्स, इथेनॉल, ऑर्गेनिक फार्मिंग, और मैंने 10,000 ग्रामीण भाग के युवाओं को रोजगार दिया है, और 2,50,000 किसानों का मैंने उनका 200 करोड़ का मुनाफा उनके घर पहुंचाया है। मैं सोशल एंटरप्राइज हूं, मेरी कोई उद्योगपति ने और मेरे ऊपर करीब कर्जा है, और जिनसे कर्जा लिया वो 14% ब्याज से वापस किया, और मैंने अपने घरदार गिरवी रख के मैं किसानों में काम करता हूं, ये मेरा मिशन है, वो बिजनेस भी नहीं है। और शुगर इंडस्ट्री की हालत इतनी खराब है कि कोई अच्छा आदमी शुगर में जाएगा नहीं, मैं ये बायोफ्यूएल, इथेनॉल, ग्रीन पावर में इसलिए जा रहा हूं कि मैं अपने गाँव का, किसानों की आत्महत्या रोकना चाहता हूं और वहां के बेरोजगारों को रोजगार देना चाहता हूं। मेरी आपसे प्रार्थना है, आपकी रिसर्च टीम भेजकर एक बार आप आइए,
पूरा अध्ययन करिए कि उसका सोशियो इकोनॉमिक इंपैक्ट क्या है, फिर मेरा मूल्यांकन करिए। दिल्ली में एयर कंडीशन केबिन में बैठकर लोगों के कहने पर और झूठे कागजों के आधार पर अगर मुझे बदनाम करने की जो कोशिश हो, मैं दुखी हूं, उचित समय पर उसके ऊपर क्या कार्रवाई करना ये भी मैं करूंगा। मैं राह देख रहा हूं और मैं पहला पॉलिटिशियन हूं कि जिसने कहा कि जो भी आरोप मेरे ऊपर हुए उसकी इंक्वायरी करो, मैं तैयार हूं। और इंक्वायरी होने के पहले भी मुझे आप सजा भी दे दोगे, आरोप भी लगा दोगे, मेरा क्या होगा छोड़ दो, जो मेरे साथ हुआ उस तो मुझे दुखी हूं, पर कम से कम दूसरों के साथ ये मत करिए, इतना ही मैं आपसे प्रार्थना करूंगा। कुछ तथ्य गडकरी जी मैं आपके सामने रखना चाहूंगा। आप महाराष्ट्र के पीडब्ल्यूडी मंत्री थे, आपने कुछ कंपनियों को कॉन्ट्रैक्ट्स दिए, वो कंपनियां आपके मंत्री रहते छोटी कंपनियों से बहुत बड़ी कंपनियां हो गई। आपके पद से हटने के एक साल के बाद वो कंपनी आईआरबी ने आपकी कंपनी पूर्ति में निवेश किया 1.85 करोड़ रुपए का। क्या ये ठीक है कि आपने मंत्री रहते किसी एक कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट दिए और बाद में वही कंपनी आपकी कंपनी में इन्वेस्टर बन जाती, इसमें आपको कॉन्फ्लिक्ट नजर नहीं आता? देखिए, मैं कौन से मीडिया कंपनी में कितनी कंपनी और उनने कहां से इक्विटी लाई, मॉरिशस से लाई, कितनी सब जानकारी रखता हूं। पहली बात ऐसी है कि जिस कंपनी का उल्लेख कर रहा है उसको 60 करोड़ के काम मिले, उसमें से 40 करोड़ के काम राष्ट्रीय महामार्ग पर थे और वो दिल्ली में उस समय टाइटलर करके मंत्री थे, उनके समय एग्रीमेंट हुए, 20 करोड़ के काम उनको मिले हैं। और मैंने जो उनसे उन्होंने ये इक्विटी ली, जैसे मैंने कहा कि 12,000 लोग मेरे शेयर होल्डर्स हैं, उसमें एक मीडिया ग्रुप के भी मैंने शेयर लिए थे। तो उस समय ये कॉपरेटिव का मॉडल महाराष्ट्र में है कि हमको जब 30% इकट्ठा करना पड़ता है, तो जो कोई डॉक्टर है, कोई प्रोफेसर है, कोई आर्किटेक्ट है, कोई पत्रकार है, कोई मीडिया ग्रुप है, कोई किसान है, तो हमने उनसे शेयर इकट्ठा किए। तो शेयर लेना या इन्वेस्टमेंट करना नहीं, पर इस कंपनी को आपने फायदा पहुंचाया? कोई फायदा नहीं पहुंचाया, आपने उसको टेंडर दिया, उसे कंपनी की तरफ हुई, बाद में उस कंपनी ने आपकी मदद की, आपको शेयर दिए। एक काम करिए, कल का शो इस पर चला दीजिए कि मैंने इलीगल तरीके से कौन से कंपनी को मैंने फायदा पहुंचाया। एक एक जगह मैंने 5 करोड़ के इक्विटी पर 4,000 करोड़ कैपिटल मार्केट से खड़े करके 8,000 करोड़ के काम इंफ्रास्ट्रक्चर में किए हैं और पूरे काम ट्रांसपेरेंसी से टेंडर से किए हैं। 11-11, 12-12 लोगों ने टेंडर भरे, जो लोएस्ट आया उसको मिले। मैंने एक भी काम गलत नहीं किया, आज तक एक भी काम पर एजी का रिपोर्ट नहीं आया, ऑडिटर नहीं आया, कुछ नहीं आया। मेरे मित्रता के कारण अगर उनने मेरे 1 करोड़ 1.5 करोड़ के अगर शेयर लिए तो इसका मतलब फेवर किया, तो हिंदुस्तान में सब कंपनियों में सबने शेयर लेना और इक्विटी लेना बंद कर देना चाहिए। और मुझे अगर मेरे कंपनी में इक्विटी चाहिए और राहुल कन्वर मेरे मित्र है, तो मैं आपके पास नहीं आऊंगा तो क्या पाकिस्तान के लोगों के पास जाऊंगा कि मुझे शेयर दो करके? मैं फिलहाल कानून की बात नहीं कर रहा गडकरी जी, मैं नैतिकता का सवाल उठा रहा हूं, असूलों का सवाल उठा रहा हूं। पहली बात, सवाल सिर्फ सवाल है, मैं आपको बता दूं, मैंने कोई कंपनी को कोई फायदा नहीं उठाया। नहीं नहीं, मेरी बात नहीं, अब सुन लो ना, अगर उठाया है तो आप उसकी जानकारी निकाल लो। सब टेंडर नियमों से हुए है, मैंने मेरे पूरे कार्यकाल में एक भी कंपनी को फायदा नहीं उठाया। और अनेक कांग्रेस के भी लोग हैं, पत्रकार भी है, कि जिनको मैंने किसी से 50,000, किसी से लाख, किसी से 2 लाख, किसी से 5 लाख शेयर। पर वही तो आरोप फिर अरविंद केजरीवाल लगाता है कि पूरा तंत्र फिक्स्ड है, कि आपके शरद पवार किससे रिश्ते हैं, कांग्रेस से रिश्ते हैं, बाकी लोगों से रिश्ते हैं, सबको आप साथ के चलते। अंजलि दमाने ने क्या आरोप लगाया कि दो काम हम उनके करते हैं, वो हमारे करते हैं, तो ऐसे में उनके खिलाफ हम आरोप कैसे लगाएंगे? आपको नहीं लगता कि ऐसे वक्त पर मेरी बात? अंजलि दमानी और अरविंद केजरीवाल का 1% भी नहीं। अरविंद केजरीवाल ने जो आरोप लगाया कि मैंने जमीन हड़काई, झूठ निकला। अरविंद केजरीवाल ने, वो आपने बहुत देर तक चलाया मीडिया में, फिर उसने कहा कि मैंने वहां जमीन हड़काई और किसान की जमीन हड़काई, वो भी झूठ निकला। जितनी बातें दमानी ने लगाई सब झूठ निकली। शरद पवार के साथ मेरे कोई संबंध नहीं, संबंध लगाए गए वो झूठ निकले। मेरे कॉन्स्टिट्यूशन में एक प्रोजेक्ट हो रहा है इरीगेशन का, जिसके लिए मैंने 15 पत्र लिखे, जिसका मैं अभी भी वहां का विधायक हूं, और उसमें मैंने कहा कि यहाँ ये प्रोजेक्ट राष्ट्रीय प्रकल्प है, ये पूरा होना चाहिए और इसको जल्दी उसको अनुदान मिलना चाहिए सरकार का। तो उसके पत्र के ऊपर भी कॉन्ट्रोवर्सी को मैंने पत्र क्यों लिखा, वहाँ 288 कॉन्ट्रैक्टर काम करे। मैं आपको एक बात बहुत नम्रतापूर्वक कहना चाहता हूँ कि इन सब बातों में हम कहीं गलत नहीं है, मैंने कोई गलत किया नहीं है, और आपको आह्वान करता हूँ पूरी इंक्वायरी करिए, और 1% भी कोई गलती होती है, कोई निकलती है, पहचान तो है मेरी, आपसे पहचान है, तो सभी चैनल वालों से है, सभी नेताओं से है, संबंध होते हैं, मिलते हैं,
पर कोई मैंने किसी का मिसयूज नहीं किया। और हमने प्रमुख विपक्षी पार्टी की जिम्मेदारी क्या है कि सरकार को कटघरे में खड़ा करे, सवाल पूछे तमाम मंत्रियों से, लेकिन जब आपके सबसे अच्छे रिश्ते हैं, कारोबारी रिश्ते हैं, तब लगता है कि जाने दो, ये तो हमारा ही दोस्त है। आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं वहां पे नैतिकता के आधार पे काय की नैतिकता? आप क्या बोल रहे हो? मैंने शरद पवार का फुटके कोड का उपयोग कभी जिंदगी में लिया नहीं है, मेरा कोई संबंध नहीं उनसे। और जो आप नैतिकता की बात कर रहे हैं, मैं आपको उल्टा आह्वान करता हूं, हैव यू गॉट एनी एविडेंस कि मैंने किसी व्यक्ति का, किसी नेता का, किसी सरकार का, मैंने सरकार से जमीन ली, मैंने सरकार से अनुदान लिया, मैंने सरकार से कोई पैसा लिया, और मेरा कारोबार नहीं है। मैं बार बार कह रहा हूं, ये दिल्ली में थोड़ा उत्तर भारत में समझना कठिन है, पर अमूल का जैसा प्रकल्प है, कोल्हापुर और महाराष्ट्र में कोऑपरेटिव में बड़े प्रकल्प खड़े हुए किसानों के हित में, उसी प्रकार से मैंने मेरी एरिया के गरीबों के भलाई के लिए हम सब ने मिलकर 12,000 लोगों ने मिलकर कुछ कोऑपरेटिव में काम खड़ा किया। अब कोऑपरेटिव में कोऑपरेटिव बैंक का ही दिवाला पिटा वो लोन नहीं दे सकती, इसलिए हमको वो पब्लिक लिमिटेड मॉडल में सोशल एंटरप्राइज के रूप में खड़ा किया। मैंने आज तक जिंदगी भर, अगर शरद पवार मेरे मित्र रहते तो मैं कोऑपरेटिव बैंक का लोन मुझे मिलता, पर वो एनसीपी और कांग्रेस की बैंक अपोजिशन वालों को लोन नहीं देती, इसलिए मुझे पब्लिक लिमिटेड में जाना पड़ा। उनका इसके साथ कोई नहीं, पर हमने रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी के रिकॉर्ड्स देखे, उसमें 5 कंपनियां थी पूर्ति ग्रुप की, निता ट्रेड, स्विट्सॉल, रिग्मा ट्रेड, अश्वमी सेल्स। इन कंपनियों के अगर पते देखे जाए तो किसी झुग्गी झोपड़ी में, दुबे चाल है एक अंधेरी कुल्ला रोड पर, एक और है चैरियट इन्वेस्ट ट्रेड, रीजेंसी एक्विफिन, ये किसी झुग्गियों में जाके आपने हेडक्वार्टर्स बनाया। आपने थोड़ा चार्टर अकाउंटेंट करके स्टडी करना चाहिए। नहीं, पर आप मुझे ये बताइए, नहीं मेरी बात नहीं, आप मेरा सवाल आधा सुनते आधा नहीं सुनते, मेरी बात तो पूरी सुन लीजिए, पूरा गलत बोलते हो। नहीं, मेरी बात तो सुन लीजिए, क्योंकि हमारे कैमरे उन चाल में गए, हमने पूछा कि यहाँ पे गडकरी जी की कोई कंपनी बेस्ड है, उन्होंने तो हमको मालूम ही नहीं था। अच्छा, क्या इस तरह से झूठे एड्रेस देना गडकरी जी, हो सकता है कि देश में बाकी कंपनियां भी ऐसा ही करती हो, ये भी सकता है कि वो गैर कानूनी ना हो, लेकिन बीजेपी के अध्यक्ष के लिए ऐसे झूठे एड्रेस देना, क्या वो ठीक है? राहुल जी, आप बच के रहना, जितना आप बोल रहे उतने ऊपर मैं आपको डिफेमेशन डालूंगा तो आपको बहुत अड़चन पैदा हो जाएगी। ये 5 कंपनियां मेरी नहीं, ये 5 कंपनियां के मालिक है, उन्होंने इनकम टैक्स में और कंपनी लॉ में उसको ओन किया है, उन्होंने इन्वेस्ट किया ऑलरेडी, उन्होंने ओन किया है, उसके डायरेक्टर ने ओन किया हुआ है, और जो आपने बताया वो दुर्भाग्य से सच नहीं, इसमें इंक्वायरी हो रही है। और आज आपने जो आरोप किया, जो आपने मीडिया में किया कि ये कंपनियां नितिन गडकरी की है, नहीं, नहीं, ये पूर्ति ग्रुप में इन्वेस्ट कर चुकी हैं ये कंपनी। देखो, इन्वेस्टमेंट आपके कंपनी में भी इन्वेस्टमेंट करने वाले 1,000 लोग हैं। देखिए, मेरे कंपनी में अगर इन्वेस्ट करने वाले इसमें से 50 लोग हैं और उनकी एक कंपनी है और उनने 10 कंपनियों से उसमें इन्वेस्ट किया, तो वो मेरी कंपनी होती क्या? नहीं, पर जिम्मेदारी नहीं बनती। आप पब्लिक ऑफिस में हैं, आप राजनीति में हैं, हो सकता है कि कोई कारोबारी करे, उद्योगपति करे। आप बता दो, ये बहुत अच्छी बात आपने की, कंपनीज को समझने की जरूरत है। 12,000 शेयर होल्डर्स है मेरे कंपनी में, और जिन्होंने मुझे शेयर दिए उनका अगर एड्रेस नहीं मिल रहा है तो उसके लिए मैं जिम्मेदार हूं? यह कौन से कानून के मुताबिक आप जिम्मेदार पकड़ रहे हैं? और वो मेरी कंपनी कह रहे हो, तो आपके पास इसका कोई एविडेंस है कि उस कंपनी का डायरेक्टर मैं हूं, मैं शेयर होल्डर हूं, मैं उसका संचालक हूं? बिना एविडेंस आप मेरे ऊपर आरोप लगाते कि सब कंपनियों का मालिक हुआ, बार बार टीवी पर दिखाते। देखिए, मैं तो मेरा निर्णय लगने के बाद, आप इसमें थोड़ा सोच समझ के बोलिए, मैं तो पूरा डिफेमेशन और क्रिमिनल केसेस की तैयारी कर चुका हूं और मैं किसी को छोड़ूंगा नहीं, मेरा दामन साफ है और मैं किसी से डरता नहीं हूं। मेरी एक भी कंपनी नहीं, मैं संचालक नहीं हूं, और ये रिकॉर्ड इनकम टैक्स और कंपनी लॉ के सामने आया है। आप अच्छा काम करिए, शोध पत्रकारिता के रूप में जरा कंपनी लॉ बोर्ड के ऑफिस में जाइए, इस कंपनी के संचालक को उन्हें देखिए, उनका इन्वेस्टमेंट किसका देखिए, उसको ओन किसने क्या देखिए, और गलती से ये मत कहिए कि इसका मालिक मैं हूं। कल इसमें से कोई आदमी एक मेरा शेयर होल्डर निकलेगा तो वो भी मैं ही मालिक हूं ये कहोगे, तो ये कानूनी भी गलत है और सच्चाई के आधार पर भी गलत है। जिस पर भी आप मानहानि का मुकदमा करेंगे वो राम जेठमलानी के पास जा सकता है, वो तो मुफ्त में वो केस लड़ देंगे। लड़ेगा ना, कोई प्रॉब्लम नहीं। काफी वो परेशान है इस वक्त आपसे, इस्तीफा मांगते हुए फिर रहे, कह रहे कि नितिन गडकरी इस्तीफा दे, नितिन गडकरी इस्तीफा दे। देखिए, पहली बात तो ऐसी है, मैं अगर दोषी हूं तो दुनिया की कोई भी ताकत मेरी इंक्वायरी कर ले, मैं जो सजा भुगतने के लिए तैयार हूं। पर कल आपके कंपनी में भी अगर मैंने 500 रुपए का शेयर लिया और कल आप कहेंगे कि आपके कंपनी का भी मालिक मैं बन गया, ऐसा अगर न्याय चलेगा तो कहां जाएगा? देखिए, मैं आपको एक बात बता दूं, मैं आपसे नहीं, हिंदुस्तान की किसी मीडिया से, पत्रकार से और नेता से डरता नहीं हूं।
मैंने कोई गलत काम नहीं किया, कोई सरकारी जमीन नहीं ली, कोई पैसा नहीं लिया। समाज में आत्महत्या करने वाले किसानों के लिए मैं समर्पित भाव से काम कर रहा हूं, और वहां मेरा शेयर केवल 1 लाख रुपए का, 68 करोड़ रुपए में है, अनेक डायरेक्टर्स है, और किसी प्रकार का मेरा संबंध में किसी इंक्वायरी के लिए तैयार। ये तो आपने बात कही, लेकिन लग रहा है कि बीजेपी के ही तमाम नेता हैं जो इस बात को नहीं मानते। यशवंत सिन्हा है, राम जेठमलानी है, शत्रुघ्न सिन्हा है, जसवंत सिंह है, काफी लंबी लाइन है उन लोगों की जो आप जो बात रख रहे हैं। मीडिया माने ना माने, जनता माने ना माने, आप ही के पार्टी में नेता हैं जो कहते हैं कि बेहतर ये हो कि गडकरी जी साइड हो जाएं तब तक जब तक कि उन्हें क्लीन चिट इंक्वायरी कमिटी से। हमारे दिल्ली में बहुत अच्छी मीडिया है और देश की जनता ने ये लाइव जा रहा है, ये तय करना, सब लाइव जा रहा है, बिल्कुल पूरा देश देख रहा है। एक आधे ईमानदार आदमी को बदनाम करना, उसके ऊपर झूठे आरोप लगाना और बाद में चर्चा इस विषय पर लगना कि परसेप्शन ऐसा हो रहा है तो अब इसने रिजाइन कर देना चाहिए। मैं रिजाइन करूंगा नहीं, मैं झूठ नहीं हूं, मैंने बेईमानी नहीं की, मैंने करप्शन नहीं किया, मैंने गलत काम नहीं किया, और मैं दावे के साथ राहुल के अध्यक्षता में कमेटी बने और मेरी इंक्वायरी करे और राहुल भी कहे कि मैं 1% दोषी तो मैं छोड़ दूंगा। नहीं, पर ये जो बीजेपी के नेता, ये जो बीजेपी के नेता हैं, वरिष्ठ नेता हैं, पूर्व वित्त मंत्री रह चुके हैं, विदेश मंत्री रह चुके हैं, वही आपके क्या हुआ उसमें, वही आपके बयानों से, दावों से संतुष्ट मीडिया ने जो चलाया, जैसे आपने कहा ना कि आपकी 5 कंपनियां हैं पूर्ति ग्रुप की है, जब रिकॉर्ड है कि वो पूर्ति ग्रुप की कंपनियां नहीं है, ये सच्चाई है, पर मेरे ऊपर एक के पीछे एक चैनल में झूठ लगाकर दिन भर चला चला के जो परसेप्शन बिगाड़ दिया उससे कुछ लोगों को लगा कि सही में कुछ गड़बड़ है। पर जब गुरुमूर्ति आए और उन्होंने पूरे एज ए चार्टर अकाउंटेंट उस हाईएस्ट क्रेडिबिलिटी पूरी जांच की और सबको जब बताया कि ये सब गलत है, तब वो लोगों को कहना, उन्होंने कहा कि ये हमारा अंदाज था, वो मीडिया के कारण हुआ था, ये परसेप्शन गलत है, और उन्होंने मुझे फिर उसके बाद सहयोग भी किया और कहा कि ये ठीक नहीं हुआ है। नहीं, क्योंकि जैसे यशवंत सिन्हा ने बयान दिया, उन्होंने कहा कि कोई भी पब्लिक लाइफ में जो आदमी होता है उसको शक के घेरे के बाहर होना चाहिए। लोगों ने उदाहरण दिया आडवाणी जी का, जब उन पर आरोप लगे उन्होंने अपना MP पद त्याग दिया और कहा कि जब तक मेरा नाम क्लियर नहीं हो जाता तब तक मैं एक्टिव राजनीति नहीं करूंगा, तब तक मैं MP नहीं बनूंगा। आपको नहीं लगता कि आपका खुद का कद बहुत बढ़ जाता अगर आप कहते कि निराधार आरोप मुझ पे लगे हैं, इन आरोपों का मैं सामना करूंगा, लेकिन मैं बीजेपी का अध्यक्ष उस दिन तक नहीं रहूंगा जब तक ये आरोप मुझ पर, ये आपने क्यों नहीं किया? पहली बात तो ऐसी है कि मेरे खिलाफ कोई हाईकोर्ट का निर्णय, लोकायुक्त का निर्णय, इनकम टैक्स का नोटिस नहीं, कंपनी लॉस का समन्स नहीं, कुछ नहीं। मुझे आडवाणी जी के ऊपर जब आरोप लगा था तब उन्होंने पार्लियामेंट से इस्तीफा दिया था, पार्टी के अध्यक्ष पद से नहीं दिया था, जबकि उनके खिलाफ CBI ने FIR दर्ज की थी। मेरे ऊपर कोई FIR नहीं, कोई इंक्वायरी नहीं, कोई नोटिस नहीं, कोई समन्स नहीं। आपके चैनल में रात को बैठकर मुझे आरोपी साबित कर दो, आप ही वकील, आप ही जज, और धनाधन बोल दोगे ये मालकी गडकरी की और आप चला दोगे, और आप ही मुझे कहोगे कि परसेप्शन के आधार पर नितिन गडकरी रिजाइन करें। देखो राहुल जी, मैं ईमानदार हूं, ऑनेस्टी मेरी क्रेडिबिलिटी है, मैंने हिंदुस्तान में 4,000 करोड़ कैपिटल मार्केट में खड़े करके मैंने काम करके दिखाया है। जो लोएस्ट टेंडर 3600 करोड़ का आया वो 1600 करोड़ में करके 2,000 करोड़ जनता के बचाए है। मेरा ट्रैक रिकॉर्ड ऑनेस्ट है, किसी के कहने से मैं डिसऑनेस्ट हो नहीं सकता, पर मैं तैयार हूं कि मेरी कोई भी इंक्वायरी करे, झूठे आरोप के आधार पर मैं कोई इस्तीफा दूंगा नहीं। मैं प्रेसिडेंट बीजेपी की मांगने के लिए कभी किसी के घर नहीं गया था, मैं आज तक मेरे जीवन में किसी के घर में जाकर सेकंड टर्म और फर्स्ट टर्म के लिए गया नहीं हूं। मैं दिल्ली के रोड नहीं जानता, मैंने लोगों नेताओं के घर के चक्कर नहीं कटवाए, और मैं अपने पार्टी सिद्धांतों के साथ एक कार्यकर्ता के साथ काम करता हूं, हिम्मत के साथ काम करता हूं, डरता नहीं हूं। और मुझे अगर कोई भी आरोप, किसी की भी इंक्वायरी कमेटी, किसी की भी, मैं आपकी इंक्वायरी कमेटी मानने का, तो आप भी कहे अच्छा कि 1% भी मैं दोषी हूं तो मैं जो सजा, आपने कहा ये तमाम आरोप निराधार हैं, झूठे हैं। एक मिनट के लिए हम इस बात को मान लेते हैं, आपको मानना ही पड़ेगा। चलिए, अगर आप सिद्ध करो, अगर आरोप सिद्ध करो, नहीं तो मानो, दो में से एक करो। देखो, ये किसी का ऑनेस्टी का इस प्रकार से मीडिया ट्रायल करके चरित्रहरण करने का आपको अधिकार नहीं है। आई एम सॉरी टू से, आप मेरे खिलाफ आरोप है, पूरा आज से शाम तक दिन भर चलाओ, मेरी कंपनियां हैं तो बताओ मैं संचालक हूं क्या, मेरा शेयर होल्डिंग है क्या, बताओ। और नहीं होगा
तो मीडिया ट्रायल के रूप में किसी ईमानदार व्यक्ति को उसके जीवन में उध्वस्त करने का अधिकार हिंदुस्तान के संविधान में और कानून में किसी ने किसी अच्छा, नहीं इन दिया। तमाम आरोपों का आपके कामकाज पर कुछ असर पड़ा है, आपके मुराद पर? तमाम आप फर्ज कीजिए पार्टी के अध्यक्ष हैं, आपको लोगों के खिलाफ डिसिप्लिनरी एक्शन लेना पड़ता है, आपको चिंता होती है कि अभी किसी के खिलाफ आप कुछ बोलेंगे वो बोलेंगे? गडकरी जी पहले अपना तो देखिए। देखिए पहली बात, मुझे कोई कहता नहीं, मेरे बारे में मेरे पार्टी में मेरे कार्यकर्ताओं में पूरा विश्वास है। दूसरी बात, मेरा दामन बिल्कुल साफ है और मेरे पार्टी के सभी नेता मेरे साथ खड़े हैं। जो कुछ आया था, क्योंकि कंपनी लॉ और इनकम टैक्स इज डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, गुरुमूर्ति ने उसका एनालिसिस करके सबको समझाया है। प्रॉब्लम मेरा पार्टी में नहीं है, प्रॉब्लम मीडिया के साथ है। मैं जब से 2.5 साल से दिल्ली में आया रहूं, एक के पीछे एक झूठे आरोप मेरे पर 5-7 लगे, जो कभी अरविंद केजरीवाल ने लगाए। मैं आपको सवाल पूछता हूं, अरविंद केजरीवाल का 1% भी आरोप सिद्ध नहीं हुआ, आप क्यों नहीं उसको जाके पूछते हो कि आप झूठे आरोप क्यों करते हो? पूछा हमने कल, बहुत पूछे सवाल। देखो ना, मैंने जमीन ली, ना मैंने कुछ हड़काया, ना मेरा शरद पवार का, वो दिग्विजय सिंह ने कहा कि 1000 करोड़ की प्रॉपर्टी है, मैंने एफिडेविट कर दिया कि ये 12.5 करोड़ की प्रॉपर्टी है और अब इसमें से 888 करोड़ रुपए बाकी होते हैं, दिग्विजय ढूंढ ले और मैं उसको डोनेट कर दूंगा। ले ले, वो आया आगे, मैंने कोर्ट में केस डाल दिया, मैं दे देता हूं आपको। अच्छा ये बताइए, आपने कहा कि आप बीजेपी के अध्यक्ष पद से कतई इस्तीफा नहीं देंगे, वो दिसंबर 17 की तारीख अब बहुत नजदीक है, आपका जो पहला टर्म है वो खत्म हो रहा है, तमाम सवाल पूछे जा रहे हैं कि क्या गडकरी जी को सेकंड टर्म मिलेगा कि नहीं, आपका क्या मानना है? आपका मेरे ऊपर विश्वास होगा तो एक बात बता दें। देखो मैं जिंदगी में झूठ नहीं बोला और मेरे ऊपर आप विश्वास रखो, मेरे में दबंगू मैं, अगर थोड़ा बीजेपी के अध्यक्ष के कारण मेरा डीएनए और बीजेपी का डीएनए मेल नहीं खाता, मैं बड़ा एग्री। बीजेपी दबंग पार्टी नहीं है? नहीं नहीं, वो अलग टाइप के लोग सोचते हैं, मैं पार्टी है, मैं तो फाइटर हूं। बीजेपी आपस में फाइट करती है। मैं इसका जवाब पत्थर से देना चाहता हूं, मैं डरने वाला आदमी नहीं हूं, पर मैं आपको एक बात बता रहा हूं, आज तक इन माय होल लाइफ, मेरा लाइव रिकॉर्ड हो रहा है, मैं बीजेपी का अध्यक्ष बनने के लिए किसी के पास कभी गया नहीं हूं, कभी मिला नहीं हूं, फर्स्ट टर्म के लिए नहीं मिला हूं, सेकंड टर्म के लिए नहीं मिला हूं। मैंने अपने 25 साल देश के लिए, समाज के लिए और गरीब व्यक्ति के लिए देना तय किया है और मुझे अगर बीजेपी में कल छोटा भी कोई काम मिलेगा तो मैं आनंद से उसको स्वीकार करूंगा। एक ही बात मैंने कही, झूठे आरोप लगाने के ऊपर मैं इस्तीफा नहीं दूंगा। जहां तक सेकंड टर्म की बात है, ये पार्टी का सवाल है, पार्टी के नेता जैसा निर्णय करे वो करे, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और उचित समय पर पार्टी में डेमोक्रेटिक्स में एक नियम है कि जब तक 50% राज्यों का चुनाव नहीं होता तब तक राष्ट्रीय अध्यक्ष का ये नहीं होता। पर आपका ये मानना है कि इन आरोपों का सेकंड टर्म पर, मैं ये नहीं पूछ रहा कि आप चाहते हैं कि नहीं सेकंड टर्म, आपका ये मानना है कि इन आरोपों का सेकंड टर्म के फैसले पर कोई प्रभाव नहीं होगा? देखिए, जो आरोप में 1% भी तथ्यांश नहीं है, कल आपके ऊपर भी कोई आरोप करता है और जो पूरे बेबुनियाद और झूठे हैं, तो उसका परिणाम होने का सवाल नहीं था। देखो मैं इससे ज्यादा क्या चाहिए, मैं आपको आह्वान कर रहा हूं, सुबह से लाकर तड़ाके से राष्ट्र आज तक लगा दो, एक भी मेरी गलती होगी 0.001% सैक मी, आई एम नॉट एट ऑल रिलेटेड विथ एनी प्रॉब्लम। ये गलत बात है कि जिस प्रकार से हो रहा है, और आरोप का कारण मेरे इसमें कोई संबंध नहीं है और इसका कोई परिणाम भी नहीं। आरएसएस के आइडियोलॉग हैं, पूर्व प्रवक्ता हैं एमजी वैद्य, उन्होंने एक संपादकीय लिखा, उन्होंने कहा कि गडकरी जी पर जो आरोप लगाए जा रहे हैं वो नरेंद्र मोदी करवा रहे हैं, कि ये एक इंटरनल सैबोटेज है, क्योंकि आपने, मैं बताता हूं, क्योंकि आप नहीं चाहते थे कि नरेंद्र मोदी को प्रोजेक्ट किया जाए बतौर प्रधानमंत्री, आप चाहते थे कि कलेक्टिव लीडरशिप रहे, सब लोग मिलकर चुनाव लड़े, उसके बाद तय हो कि पीएम कौन हो। तो उन्होंने कहा कि गडकरी जी को फंसाने के लिए, गिराने के लिए जेटली जी के जरिए अहमदाबाद से निशाना साधा जा रहा है। पहली बात तो ऐसी कि आप जैसे पत्रकार, ये हमारी सबसे बड़ी समस्या है। मैं तो वाकई में वैद्य जी का ब्लॉग पढ़ के सुना रहा हूँ, जो आप बार बार पत्रकारों पर हमला कर देते हैं, ये सारी बातें आपके यहाँ से निकलती हैं, आरएसएस से निकलती हैं। एमजी वैद्य आपके हैं कि नहीं? मैं पढ़ के सुना देता हूँ आरएसएस पे। हमारा धंधा बहुत अच्छा है। वो क्यों? कि एक तो अनऑफिशियली बोला, नाम नहीं बता सकता, बातें तो आपके यहाँ से निकल, अब सब तुम्हारे मन की नहीं, नहीं, बातें तो मैं सब बिल हमारे नाम पर फाड़ दो। नहीं 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 नहीं, अब तो मैं आपका ब्लॉग पढ़ के सुना रहा हूँ, मेरी बात सुनिए ना, वैद्य जी का ब्लॉग है सर, मैं पूरी तैयारी करके आता हूँ। नहीं नहीं, आपने मीडिया का आरोप लगाया, मेरी बात सुनिए, रुकिए। उन्होंने कहा, बिकॉज द डिमांड फॉर द रेजिग्नेशन ऑफ गडकरी इन मेकिंग मोदी द प्राइम मिनिस्टर वर मेड बाय वन पर्सन इन अ स्टेटमेंट, इट इज नेचुरल फॉर एवरीवन टू बिलीव दैट द कैंपेन इज बीइंग रन आउट ऑफ गुजरात, एंड इफ वन सेज इट इज गुजरात देन द नीडल ऑफ सस्पिशन ऑटोमेटिकली पॉइंट्स टू नरेंद्र मोदी। ये आपके हैं, एमजी वैद्य आरएसएस के बहुत वरिष्ठ आइडियोलॉग हैं,
उन्होंने ये बात रखी। मुझे मुझे ऐसा लगता है कि जो वैद्य जी ने लिखा उससे मैं सहमत नहीं हूँ। नहीं पर मानेंगे उन्होंने ही लिखा ना, हमने तो नहीं बात बनाई। तो लिखा है, सच है, मीडिया की कोई गलती नहीं है इसमें। आरएसएस ने ही कहा। देखिए पहली बात, एमजी वैद्य फिलहाल आरएसएस के कोई पदाधिकारी नहीं है। जो आप तो यशवंत सिन्हा भी नहीं है, गडकरी वो राम जेठमलानी भी नहीं है। यशवंत सिन्हा है, आपको पता है यशवंत सिन्हा हमारे पॉलिसी रिसर्च ग्रुप के कन्वेनर है। यशवंत सिन्हा पार्टी में अनेक कमेटी के प्रभारी है। चलिए वैद्य जी पे आइए। वैद्य जी का फिलहाल वो कोई ऑफिशियल पोस्ट पर नहीं है और उनने किया हुआ मत उनका व्यक्तिगत मत है और मैं उससे सहमत नहीं हूँ। नहीं पर ये तो काफी लोग मानते हैं कि चूंकि नरेंद्र मोदी उतावले हो रहे हैं कि गुजरात में वो डंके की चोट पे जीत जाएं, उसके बाद मुझे प्रोजेक्ट कीजिए प्रधानमंत्री के तौर पे, नहीं प्रोजेक्ट किया तो मैं गडकरी का पत्ता काट दूंगा। ये नरेंद्र भाई के बारे में कहना उनके ऊपर अन्याय होगा। मेरी उनसे विस्तृत बातचीत होती है। नरेंद्र मोदी कोई ऐसे नहीं है कि मुझे कल डिक्लेयर करो, ऐसा कभी उन्होंने कहा नहीं है। नरेंद्र मोदी ने संघ के प्रचारक के रूप में अपना संपूर्ण जीवन देश के लिए अर्पित किया, उनका कोई परिवार नहीं है। इस प्रकार का आरोप उनके ऊपर करना अन्यायकारक होगा। रही बात प्रधानमंत्री पद की, देखिए भारतीय जनता पार्टी में प्रधानमंत्री पद के लिए अनेक उचित उम्मीदवार है और इसका संबंध भाजपा को कितनी संख्या आती है जीतकर, कितने लोगों का सपोर्ट लेना पड़ेगा, वहां की राजनीतिक स्थिति क्या होगी, उसके ऊपर मुकाबला। आप पार्टी के अध्यक्ष हैं, बड़ा सवाल अध्यक्ष के तौर पे, सेकंड टर्म आप कह रहे हैं आपको मिल रहा है, आपके सामने ये रहेगा। आप कैसे जाहिर कर रहे हैं? आप ही ने कहा कि मैं नहीं, क्योंकि बीजेपी ने पूरा अपना संविधान आपके लिए अमित किया। ये देखिए मैं गडकरी जी का इतना जबरदस्त कनेक्शन है कि पार्टी ने अपना पूरा संविधान आपके लिए बदल दिया, मतलब कि सेकंड टर्म दिया जाएगा, ये तो खास तौर से आपके लिए किया जा रहा है। नहीं मेरी बात सुनिए, सवाल ये है कि बीजेपी को 2014 का चुनाव एक किसी नेता की लीडरशिप में लड़ना चाहिए या फिर सामूहिक लीडरशिप में लड़ना चाहिए, यह इस वक्त बहस का बड़ा मुद्दा है। पार्टी के अध्यक्ष आप हैं, आपकी क्या राय? देखिए अटल बिहारी वाजपेयी हमारे पार्टी के अनडिस्प्यूटेड टॉलेस्ट लीडर थे, फिर उनके नेतृत्व में हम चुनाव लड़े, फिर अडवाणी जी भी हमारे बहुत बड़े नेता थे, उनके नेतृत्व में भी चुनाव लड़े। आज वर्तमान स्थिति में बहुत सी बातें निर्भर होती है कि भारतीय जनता पार्टी को कितने सीट मिले हैं, कितने लोगों का सहयोग करना पड़ेगा, उनकी क्या स्थितियां रहेंगी। घुमाइए मत, सवाल यह है कि चुनाव से पहले आप किसी को प्रोजेक्ट करेंगे कि नहीं, आपका क्या मानना है कि एक किसी को प्रोजेक्ट करने से बीजेपी को फायदा होगा या नहीं, कार्डर में उत्साह आएगा कि नहीं, इस सवाल का। पहली बात ऐसी है कि चुनाव के पहले हम किसी नेता को प्रोजेक्ट करके चुनाव नहीं लड़ेंगे, हम चुनाव नहीं लड़ेंगे, चुनाव के बाद हम हमारे पार्टी का कौन नेता होगा वो तय करेंगे। आप किसी को कैंपेन कमेटी का चेयरमैन बनाएंगे? आपने सुझाव दिया तो विचार करूंगा। नहीं नहीं, सुझाव तो बीजेपी का ही है, आप ही की चर्चा हो रही है इस मुद्दे पे। अभी तक मेरे सामने नहीं है, जो मेरे सामने नहीं है वो आपके सामने कैसे आई है, भगवान ही जाने। मेरे को तो बीजेपी के नेताओं ने बता, देखिए मैं रात को सोते सोते मुझे सपना तो आएगा नहीं। आपके पेरोल पर क्या हमारे कोई नेता है क्या? आपसे बात कर रहा हूं सर, मुझे तो इतनी तनख्वाह ही नहीं मिलती, तो लाखों करोड़ों की पार्टी है, मेरे से बात नहीं करते। मैं किसी को पेरोल पे क्या लूंगा बताइए। नहीं लेकिन एक किसी को प्रोजेक्ट करना, मुझे भी कभी मैं बेरोजगार होऊंगा तो मुझे भी रोजगार देने के लिए सोचना। कमाल की बात कर रहे हैं आप तो। अब अच्छा आप घुमाइए, बड़ा पेचीदा सवाल है और इस पर देश की राजनीति तय हो रही है। सवाल यह कि आप किसी एक को प्रोजेक्ट करेंगे कि नहीं? मैं बार बार बता चुका हूं कि चुनाव के पहले मैं बीजेपी का अध्यक्ष हूं, पार्टी का सबसे हाईएस्ट अथॉरिटी हूं और जिम्मेदारी के साथ आपको पांच बार बता चुका हूं, छठवें बार बता रहा हूं कि चुनाव के पहले किसी को प्रोजेक्ट नहीं करेंगे, चुनाव के बाद हमारी संख्या कितनी आती है, हमारी हाईएस्ट पार्टी की बॉडी जो होगी उसमें विचार विनिमय करके और पार्लियामेंट चुने हुए मेंबर के साथ बातचीत करके हमारे नेता का चयन होगा। गडकरी जी आप एजेंडा आज तक में आए, आपने तमाम सवालों का बेबाकी से डंके की चोट पर जवाब दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। और मुझे मैं आपसे आभार मानता हूं कि बहुत दिनों के बाद मेरे ऊपर जो आरोप लगे थे उसकी सच्चाई आप, राहुल जी आई एम वेरी मच थैंकफुल टू यू कि आपने मुझे अवसर दिया कि मैं ये लोगों को। बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे मंच पर आए गडकरी जी, थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद गडकरी जी यहाँ पर आने के लिए, धन्यवाद राहुल और गडकरी जी से कि एक छोटा सा तोहफा हमारी तरफ से स्वीकार करें। इंडिया टुडे ग्रुप के चेयरमैन और एडिटर इन चीफ अरुण पुरी जी उनको ये तोहफा दे रहे हैं।